माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कर रही हूं। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सुनिए, जनगणना 2011 के आधार पर निर्धारित आबादी के 1000 से अधिक राजस्व गांवों को डामर सड़क से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि से विभिन्न सड़क निर्माण कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन सड़क कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। लंबी सूची है। बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मुख्य सड़कों से वंचित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 34 सैनिक चौकियों तक सुगम पहुंच बनाने एवं सैनिकों की सुविधा के लिए चरणबद्ध रूप से 48 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में इस वर्ष 9 सैनिक चौकियों हेतु सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। नगरीय विकास, भिवाड़ी के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जाकर तथा अजमेर शहर में अनासागर के पास के क्षेत्र में नालों एवं ड्रेनेज संबंधी कार्य हाथ में लिए जाएंगे। धन्यवाद। खीमसर, नागौर, डीग व शाहपुरा में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। पेयजल, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य चरणबद्ध रूप से करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन पेयजल संबंधी कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। ऊर्जा, विद्युत प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु 132 केवी या उससे अधिक की हाई टेंशन लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक टावर एवं ट्रांसमिशन लाइन्स से किसानों की जमीन प्रभावित होती है। किसानों को ऐसी स्थिति में मैं ऐसे ट्रांसमिशन टावर बेस के साथ चारों तरफ 1 मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना तक डीएलसी दर का दुगना तथा ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाले क्षेत्रफल के डीएलसी दर का दुगना तथा ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाले क्षेत्रफल के पेटे डीएलसी की 30% की दर से मुआवजा दिए जाने की घोषणा करती हूँ। एनर्जी ऑडिट के लिए 3 वर्षों में 434,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स पर चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। इस वर्ष 1,00,000 से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। इन जीएसएस की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। औद्योगिक विकास, प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नवीन रिप्स योजना लाई जानी प्रस्तावित है। इसी के साथ उद्यमियों को समयबद्ध रूप से सहायता प्राप्त हो सके इस हेतु रिप्स फंड गठित कर आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। एमएसएमई उद्यमियों को कॉमन सैंपलिंग एवं मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रूप से संभाग मुख्यालयों सहित 20 स्थानों पर रीजनल लैबोरेटरी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार एवं रीको द्वारा 50-50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी का सहयोग प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
पर्यटन कला एवं संस्कृति, प्रथरी धाम अलवर, अर्बुदा माता एवं अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू, द्वारकाधीश जी मंदिर राजसमंद, नसिया जी विराटनगर, कोटपुतली विराटनगर कोटपुतली बहरोड, दिल्ली बाईपास स्थित तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा जयपुर तथा बुड्ढा जोहर गुरुद्वारा अनूपगढ़ में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15,000 यात्रियों को स्पेशल ट्रेन द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन करवाए जाने प्रस्तावित है। देश के नवनिर्माण में हमारे महापुरुषों द्वारा दिए गए योगदान एवं उनके कार्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु उनकी जीवनी को प्रकाशित कराया जाएगा। प्रथम चरण में स्वामी विवेकानंद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के मोनोग्राफ प्रकाशित किए जाएंगे। वन एवं पर्यावरण। ब्राह्मणी नदी बेगू चित्तौड़गढ़ के रिवर फ्रंट एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अजमेर शहर में पार्क व आदर्श नगर में मातृवन विकसित किए जाएंगे। शिक्षा एवं खेल। प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न महाविद्यालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किए जाने, नवीन संकाय विषय खोले जाने तथा विभिन्न छात्रावासों के निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उच्च शिक्षा की तर्ज पर इस वर्ष योग्यता मेरिट के आधार पर 500 स्कूटी वितरित की जाएंगी। महाविद्यालय तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित करने हेतु प्रदेश में सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स की स्थापना किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 60,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का व्यय होगा। प्रदेश के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने तथा स्कूली शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से विभिन्न पाठ्यक्रम विषय शुरू करने तथा स्कूलों व ICT लैब्स की स्थापना किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यार्थियों तथा आमजन के विज्ञान के प्रति रुचि एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अलवर एवं भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। इन पर लगभग 45 करोड़ रुपए का व्यय होगा। भरतपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल प्लानिटेरियम स्थापित किया जाएगा। जयपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र खोला जाएगा। प्रदेश में NCC कैडेट्स की संख्या में लगभग 11,000 की वृद्धि की जाकर नागौर जैसलमेर एवं बांसवाड़ा में NCC कार्यालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही प्रदेश में स्काउटिंग को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान स्काउट्स हेतु नियम बनाते हुए 4 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। शाहबाद 12 में सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल एकेडमी तथा अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल एकेडमी की स्थापना की जाएगी। साथ ही कपासन चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ कर 5,000 रुपये मासिक सहायता दिए जाने की घोषणा करती हूँ। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु हेमाटोलॉजी सेंटर की स्थापना के साथ ही मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट रक्त संरचरण की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु 10 नए रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अजमेर, भरतपुर, केलवाड़ा, बारा, उदयपुर की औषधि निर्माण रसायन शालाओं का ऑटोमेशन करते हुए नवीन मशीनें स्थापित की जाएंगी। इन पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होना प्रस्तावित है। साथ ही आयुर्वेद दवाइयों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर की जांच हेतु मोबाइल वैन्स की संख्या बढ़ाते हुए चरणबद्ध रूप से प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही प्राथमिक स्तर की जांच के लिए समस्त ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों के अपग्रेडेशन, स्थापना, भवन निर्माण एवं रिपेयर एंड मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सामाजिक सुरक्षा। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6,500 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। राजीविका के अंतर्गत संचालित संकुल स्तरीय संगठनों के लिए कार्यालय भवन निर्माण मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में ओपन बोरवेल के अंदर गिरकर किसी शिशु बालक को अपने प्राण ना गंवाने पड़े, इस दृष्टि से समस्त पुराने तथा नए खुदने वाले बोरवेल की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य किया जाएगा तथा प्रत्येक बोरवेल के लिए जिम्मेदारी भी निर्धारित की जानी प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि आज भी हमारे सफाई कर्मचारी किन विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखने की दृष्टि से RGHS के अंतर्गत लंग्स, किडनी एवं स्किन आदि से संबंधित बीमारियों के विशेष पैकेज निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करते हैं। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन सिंचाई कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। 20,000 किसानों को भूमि सुधार हेतु निशुल्क जिप्सम उपलब्ध करवाए जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर एवं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में बापिड़ी, लोहावट, फालोदी तथा कोट खावदा जयपुर में कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ कास्ट मशीन उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती है। साथ ही डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
दो वर्षों में 2000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे। सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की घर घर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में 1000 सरस मित्र बनाए जाने प्रस्तावित हैं। अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता से जोड़ने के लिए दो वर्षों में 1500 नई दुग्ध सहकारी समितियां चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। सुशासन राज्य न्यायालयों के न्यायिक कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इस पर पाँच वर्षों में लगभग 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही भूमि सीमा ज्ञान सहमति विभाजन नामांकरण गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि की लीज आदि नामांकरण के ऑटो डीम्ड निस्तारण हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लागू किए जाएंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जाएगा। इन इकाइयों न्यायालयों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। युवाओं को नशे की लत लगे ही नहीं, इसके लिए जरूरी है कि नशीले पदार्थों के स्रोत व अवैध कारोबार को रोका जाए। इस दृष्टि से मैं नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा करती हूँ। राजस्थान पुलिस को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का अपग्रेडेशन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकेडमी के रूप में स्थापना की जाएगी। साथ ही पुलिस थानों में FIR से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक का कार्य ऑनलाइन सुचारू रूप से हो, इस हेतु शेष रहे 202 पुलिस थानों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक कल्याण केंद्र के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राज्य सरकार के कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से स्पेशली एबल्ड बच्चे और बच्चों आश्रित माता पिता और स्पेशली एबल्ड भाई बहन का नाम PPO में अंकित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों स्वायत्त शासी संस्थाओं बोर्ड निगम विश्वविद्यालय आदि के RGSS कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की प्रतिवर्ष सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इन उपक्रमों के RGSS कार्ड धारक पेंशनों की मृत्यु उपरांत उनके पात्र आश्रितों को RGSS के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वृद्ध पेंशनर्स को RGHS के अंतर्गत विटामिन मिनरल्स एवं एंटीऑक्सीडेंट्स को अनुमत किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के कौशल नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं रखेगी। जन सामान्य के कल्याण के लिए शुरू की गई हमारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का हम अथक प्रयास करेंगे। मैं यहाँ आह्वान करना चाहूँगी, रुको ना तुम, थको ना तुम, राह से भटको ना तुम, अपने अधिक विश्वास से एक राह का संकल्प लो, ज्ञान से झुके रहो, विश्वास से डटे रहो, जीवन साकार जो करे उस ज्ञान का संकल्प लो। जय हिंद, धन्यवाद। सदन की बैठक गुरुवार 18 जुलाई 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।